नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। इस संसार में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत से जीवों की देव स्वरूप में पूजा की जाती है। उन सभी में नाग भी एक ऐसा ही जीव है जिसकी हिंदू धर्म में पूजा होती है। पुराणों में नागों को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। एक ऐसी ही कथा है नागपुर के मंदिर की, जिसके चलते उस जगह का नाम नागपुर रखा गया। समाज में नागों को लेकर कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। पुराणों में तो नाग लोक, नाग कन्या, नाग जाति आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों के मुताबिक इस पृथ्वी का भार शेषनाग ने अपने ऊपर उठा रखा है। हालांकि यह एक प्रतीकात्मक कथा है। भगवान शिव के श्रृंगार के रूप में नाग उनके गले में नजर आता है। द्वापर युग में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को ब्रज भूमि ले जा रहे थे, तब तेज बारिश से वासुकी नाग ने ही कृष्ण भगवान की रक्षा की थी। पुराणों की इन कहानियां और किंवदंतियों ने नागों के प्रति लोगों की आस्था को और बढ़ा दिया है। ऐसा ही एक आस्था का केंद्र है नागपुर गांव। इंदौर से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गाँव का नाम ही इस मंदिर के कारण नागपुर पड़ा है। यहाँ पर स्थित नाग मंदिर को लेकर लोगों में विशेष आस्था है। इस नाग मंदिर से कई तरह की मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष भीड़ रहती है और मेला भी लगता है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ पर नाग देवता की करीब 3 फुट ऊंची पाषाण की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कई वर्षों पहले हुआ था। कहा तो यह भी जाता है कि कभी यहाँ 2 मुहा नाग जन्मा था। गांव वाले इस नाग प्रतिमा को लेकर अलग अलग कहानियां बताते हैं। गांव वालों के अनुसार कई वर्षों पहले एक महिला के गर्भ से एक बच्चे और एक नाग ने जन्म लिया था। महिला इसे लेकर डर गई कि कहीं नाग बच्चे को डस ना ले, अतः वह नाग को छोड़कर वहां से चली गई। उसी समय वह नाग पाषाण रूप में आ गया। कुछ दिनों बाद उस महिला ने वहां के लोगों को बताया कि वह पाषाण प्रतिमा तालाब में है, उसे बाहर निकालकर यहां मंदिर का निर्माण करवाएं। इस प्रकार यह मंदिर बनाया गया। लोगों में इस मंदिर को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। वर्तमान में यह नाग मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में करीब 3 फुट ऊंचे काले रंग की पाषाण की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसके 5 फन हैं और यह फन एक बड़ी प्रतिमा में से निकले हुए हैं। लोग यहाँ नाग प्रतिमा को दूध से अभिषेक करते हैं। लोगों ने तो यह भी बताया कि इस मंदिर के परिसर में कई बार 2 मुंह के सर्प भी दिखाई देते हैं। इस परिसर में कई अन्य मंदिरों का निर्माण भी हो गया है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने यहाँ मंदिर परिसर और तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया है। पीछे स्थित तालाब के आसपास पौधे भी लगाए गए हैं। आस्था के साथ ही यह एक पर्यटन स्थल के रूप में आकार लेता जा रहा है। इस नाग मंदिर को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। लोग यहां पर आते हैं और अपनी इच्छा की मांग करते हैं। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मन्नतें पूर्ण होने के लिए उल्टे स्वास्तिक बनाती हैं और कामना पूरी होने पर सीधे स्वास्तिक मंदिर में बनाती हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें वैदिक टीवी से।